छवि आईनी तरबीम से अवाम के अदालती निज़ाम में जल्द इंसाफ मिलंदो। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली ए सियासी हकाम लाइब इहा तरमीम असरायती साबित थींदी। आईनी तरमीम से 2006 में थियल मीसा के जमहूरियत जो एक वधिक विजन मुकम्मल थियो आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी काबीना में इजलास के खिताब। सिंध सीनियर वजीर शर्जील राम मेमर तरफा अवाम लाए एक बी खुशखबरी। कराची के रोडन ते हाने डबल जीको बसेस हलंदी। सिंध हुकूमत खरीदारी जो तैयारियों मुकम्मल कर वरती हैं। शर्जील राम मेमर की सदारत हेठ अहम इजलास थो है जैमें 50 नयू बसेस खरीद करण जो फैसलो किया वो है। सिंध हुकूमत पारा दियारी के मौके ते हिंदू मुलाजमन के अगवा चई पघार ए पेंशन दियण जो ऐलान किया वो है। नाड़े वाले वफाकी वजीर सेक्रेटरी के मुख्तलिफ इदारन के खत भी लिखे वो। हिंदू बिरादरी के त्यौहार दियारी 1 नवंबर से है। हिंदू मुलाजमन के पघारों ए अगवा चई पेंशन दिनी वे। अमरीकी सदारती चूंडन में 2 हफ्ता रहजी वया है। डेमोक्रेटिक कमला हैरिस ए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप विच में चोटी जो मुकाबलो थींदो। सदर आसिफ अली जरदारी जस्टिस ए आफरीदी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौर मुकर्ररी मंजूरी दई छी है। ऐवान सदर पारा जारी कल पधराई मूजब सदर पाकिस्तान जस्टिस ए आफरीदी की मुकर्ररी 26 अक्टूबर का 3 साल कई वही है। सीनाटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर अली शाह 1 नंबर, जस्टिस मुनीब अख्तर 2 नंबर ए जस्टिस ए आफरीदी 3 नंबर से है। 26 तरमीम बाद पार्लियामेंट्री कमेटी 3 सीनियर जजेस में जस्टिस ए आफरीदी के चीफ जस्टिस तौर नामजद किया है।